और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश बाल आयोग के सदस्य पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। लोक सेवक होते हुए दो जगह से मानदेय लेकर वित्तीय अनियमितता का गंभीर आरोप लगा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव महिला कल्याण से शिकायत की गई है। बाल आयोग की सदस्य और उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज के कानपुर रीजनल सेंटर की हेड की हैसियत से एक साथ दो जगह से मानदेय लेने का आरोप लगा है। बाल आयोग की सदस्य पर ये आरोप लगा है, जिसमें दो जगह से मानदेय लेने का आरोप है। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बाल आयोग की सदस्य पर ही बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के चयन में अपने सगे संबंधी और करीबियों का चयन बाराबंकी, मैनपुरी, आगरा आदि में कराने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। हास्यास्पद ये भी है कि बेरोजगार युवक जहां एक और नौकरी पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर सरकार अपने करीबियों को एक साथ दो दो जगह से वेतन दिलवा रही है। तो खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर उत्तर प्रदेश बाल आयोग की सदस्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। देखना होगा कि शिकायत करने के बाद जांच में क्या सामने आता है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की बाल आयोग की सदस्य पर गंभीर आरोप लगे हैं।